हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चैनल की शुरुआत होने वाली है ग्रीनरी से। आज हम जो है प्लांट की प्रपोगेशन करने वाले हैं और इस प्लांट को देखेंगे कि ये कटिंग से लगता है या जड़ से लगता है। एक एक्सपेरिमेंट है, इसका रिज़ल्ट हम आपसे ज़रूर साझा करेंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या रहा। जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं तो ग्रीनरी अगर आपके सामने है तो आपका मन, आपका दिन दोनों ही बेहतर बना रहता है। आज मुझे काफ़ी काम है, जो मैंने पहले भी कहा था कि रूम शिफ्ट कर रहे हैं हम, तो रूम शिफ्टिंग का जो पेंडिंग काम बचा हुआ है उसको आज हम करेंगे। सुबह सुबह होती है, यहाँ पे काफ़ी ठंड, मेरी लाडो सोई हुई है। जो मेरे रूम का बचा हुआ मटेरियल है वो नीचे मैं इनको देने वाली हूँ। कुछ मटेरियल काफ़ी इसमें बचा है तो मैं सोचती हूँ कि ऐसे क्यों वेस्ट करना, तो किसी न किसी के तो काम आना चाहिए, तो एटलीस्ट इनके काम आ जाएगा तो वेल एंड गुड। और मैं मार्केट जाने से पहले एक बार ट्राई कर रही हूँ कि मेरी बेबी जो है वो बॉटल के साथ दूध पी सकती है कि नहीं। ये इसका फर्स्ट टाइम था कि इसको बॉटल लगाई है और बॉटल से दूध पीने का ये ट्राई कर रही है, लेकिन इसको अभी इतना कंफर्टेबल जो है वो फील नहीं हो रहा है। तो आई होप वो स्पून के साथ जो है वो पी सकती है। हेलो डार्लिंग, कैसे हो, क्या कर रहे हो? तो आपका फेस तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं जा रही हूँ अपना काम करवाने। मेरा डुगू, रोना नहीं, बाय बाय कुकू। रूम में पड़ा हुआ है बिखरा हुआ सामान, ये हमने कल फ्रिज की पैकिंग की। और मार्केट आने के बाद मैंने देखा कि श्रेया और मम्मी को बंदर भिगाने का काम लगा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो मंकीज होते हैं। और जब भी हम इधर उधर जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं या तो पौड़ियों पे बैठे होते हैं या रास्ते में बैठे होते हैं, तो उनके लिए जो है वो ये जुगाड़ काफ़ी है कि उनको पत्थर मार के जो है भगाया जा सके और आना जाना भी इजी हो जाता है। अभी जो है मेरा इंटरेस्ट ये है कि नीचे जो बाग बगीचा हमारे भाई ने लगाया है, हमारे मकान मालिक ने, उसको देखने का है कि वहाँ पर कौन कौन से प्लांट लगे हैं। लेकिन जाने से पहले यहाँ पर बंदर जो है वो काफ़ी थे, तो इसको हम भगा रहे थे ताकि हम नीचे जो है आसानी से जा सके। लेकिन यहाँ के मंकी ऐसे हैं कि आप जितना मर्जी भगा लो ये आपके पास ही आएंगे। मैं मम्मी को मना कर रही थी कि रहने दो, अदरवाइज़ तो ये हमारे पीछे आएंगे तो हमें भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। तो मम्मी भी नहीं मानते हैं। देखो, श्रेया की आवाज़ गायब हो चुकी है क्योंकि हम क्या करने आए हैं, फ़ोटो शूट करने आए हैं पेड़ पौधों के साथ। और ये चोरी छुपे, हाँ। और देखो ये इतने अच्छे अच्छे प्लांट हैं, आपको हम वीडियो में दिखाएंगे। और श्रेया देखो, ये श्रेया है, श्रेया के साथ ये प्लांट है और हम कैप्चर कर रहे हैं इनकी वीडियोस शॉर्ट्स में डालने के लिए। और हम लेंगे प्लांट, पकड़ ऐसे, पकड़ श्रेया ऐसे पकड़। सबसे अच्छी बात यह है कि सर्दियों के मौसम में गुलाब का फूल काफ़ी खिलता है। यहाँ पे वाइट रोज़ है तो ये काफ़ी सुंदर देखने को लगता है और काफ़ी खिला हुआ था। इसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी है। और बरसात में जो प्लांट जो गर्मियों में चलने वाले हैं या कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो फॉरएवर चलते हैं, तो ये प्लांट जो है वो आप देखेंगे कि पूरा साल ये ठीक रहता है। सकुलेंट प्लांट है, तो सकुलेंट प्लांट की ये खासियत रहती है कि ये पार्टिकुलर सीजन्स के लिए नहीं है, सारे सीजन्स में ये कई बार जो है वो अच्छे बने रहते हैं। और ये जो रेड कलर का प्लांट है ये मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इसको भी मैंने पूरे साल देखा है, ये भी जो है वो अच्छा, इसकी बिल्कुल जो ब्राइटनेस है इस प्लांट की वो काफ़ी अच्छी है। ये मैरून कलर का प्लांट है, ये भी अच्छा खिला हुआ है। यहाँ पे लड्डू गोपाल के कपड़े आंटी जी ने रखे हैं और ये प्लांट, इसमें भी इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हुई है। अजवाइन प्लांट है, अजवाइन प्लांट की खासियत ये है कि ये इसमें अजवाइन नहीं लगती है, लेकिन इस प्लांट के जो है पत्ते अगर आप चाय में या पानी में उबाल कर अगर आप लेते हैं, ठंड के दिनों में ये काफ़ी अच्छा होता है, तो ठंड के दिनों में आप ज़रूर इसके जो है पत्ते पानी में उबाल कर इसका यूज़ करें। और बाकी जो ये कॉलिस का पौधा है ये मर चुका है क्योंकि
हमारे जो सर्दियों में यहाँ पे फॉग पड़ती है, और फॉग के कारण जो है वो इसमें कीड़ा लग जाता है, और इस मौसम में ऐसे भी ये प्लांट जो है वो ज़्यादा नहीं खिलता है। तो जैसे ही बरसात आएगी, गर्मी आएगी, ये प्लांट जो है काफ़ी बेहतर हो जाएगा और ये काफ़ी सुंदर लगता है गर्मियों के दिनों में। हमारे घर के पास जो है वो सीर खड्ड है, और यहाँ की खासियत ये है कि जब भी बरसात का मौसम होता है तो ये खड्ड का इसका फ्लो इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो भी हमारे नियर बाई रास्ते हैं छोटे मोटे, वो भी वहाँ से ढक जाते हैं। तो ये भी प्लांट मैंने यहाँ पे लगाए थे, लेकिन ये बिल्कुल सूख चुके हैं। आजकल इसमें इतनी ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है। और ये नीचे हमारे पड़ोसी हैं, इनसे भी हम बातें करते रहते हैं। तो ये जो मैं प्लांट लेके आई थी, हालांकि मैंने दीदी से पूछ लिया था, मैं तभी ये प्लांट लेके आई थी, इसको हम लगा देते हैं। और श्रेया ने मुझे बताया कि देखो पार आईटीआई के सामने वाले जो ये बिल्डिंग है उसके सामने बिल्कुल यहाँ पे कबूतर ही कबूतर बैठे हुए हैं, तो काफ़ी सुंदर यहाँ पे लग रहे थे। इस एरिया में जो काफ़ी आवाज़ें रहती हैं, और वो आवाज़ें काफ़ी डिस्टर्ब होती हैं और रात को काफ़ी डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन यहाँ का जो कॉलोनी एरिया है वो काफ़ी अच्छा है। मैं यहाँ से कभी नहीं जाना चाहती हूँ, और वेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ की इसमें मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है, तो काफ़ी मेमोरीज जो है वो मैं समेट के यहाँ से लेके जा रही हूँ। आई होप नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ नया दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पे खासियत जो है वो ये है कि अब जो यहाँ पे है आप फ्लोर में देखेंगे डस्टिंग नहीं है, लेकिन पहले क्या होती थी, ये जो पुराना वाला जो पुल है जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती वहाँ पे काफ़ी डस्टिंग होती थी। इस छोटू से मैं बात कर रही हूँ कि पढ़ने जाता है कि नहीं, इसका नाम जो है वो शिवांश है और इसके भाई का नाम शिवा है, हालांकि दोनों का नाम ही सेम है। ये दोनों, एक तो 7 महीने का है, दूसरा जो है काफ़ी बड़ा है, स्कूल तो जाता है लेकिन शायद ये ट्यूशन पढ़ने ही जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर दोबारा मुलाकात होगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।